शेयर करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली त्याग मुहूर्त और तपस्वी मुहूर्त सेवाधारी ही यथार्थ टीचर। तो सुप्रीम टीचर, आप समान टीचर बनाने के लिए टीचर्स की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो बता रहे हैं। इस मुरली में चार पैराग्राफ है। तो बाबा ने इसमें टीचर्स को जो डिफाइन किया वो एक तरह से टीचर्स हैं सेवाधारी। टीचर मतलब सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट, टीचर मतलब किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं, और टीचर मतलब सेवाधारी, तो सेवाधारी के नाते निरंतर त्याग और तपस्या होती रहे। तो ये टीचर्स का लक्षण जो बाबा बता रहे हैं। तो आज की कल की मुरली में भी जैसे था, सोचना और कहना एक समान हो तभी सच्चे सेवाधारी। तो बाबा ने यहाँ पे ये भी वर्ड यूज किया, नाम के टीचर, नाम मात्र टीचर या काम करने वाले टीचर। तो जो पहले पैराग्राफ में बाबा बोल रहे हैं कि चेकिंग करने के लिए, जैसे बाबा बोलते हैं, तो सारे दिन में सर्व प्रकार के त्याग मुहूर्त रहे। तो त्याग और तपस्वी सेवाधारी का बाबा ने इक्वेशन बताया कि त्याग और तपस्वी मुहूर्त दोनों रहे। तो इसमें बाबा एक इम्पोर्टेंट बात जो बोल रहे हैं कि जहाँ त्याग होगा वो तपस्या मुहूर्त जरूर बनाएगा। तो बाबा जो त्याग की डेफिनेशन क्या कह रहे हैं कि कोई भी कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करना, ये त्याग है। तो इसमें भी दो तरह से त्याग बाबा ने बोले कि मोटे रूप से त्याग या फिर महीन रूप से त्याग। तो एक बार ऐसे देख लेते हैं कि मोटा रूप का त्याग क्या है और महीन त्याग क्या होगा। तो मोटे रूप का त्याग मतलब पवित्रता धारण कर ली, खाना पीना छोड़ दिया, जो जो बाहर कर सकते हैं वो कर दिया, वो हुआ मोटे रूप का त्याग। तो बाबा कह रहे हैं कि मोटे रूप का त्याग तो प्रजा में आने वाले लोग भी करते हैं, जो लेकिन जो निमित्त बनते हैं उनकी उनका त्याग बहुत महीन रहता है। तो महीन त्याग में बाबा डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी महिमा मान, किसी का महिमा स्वीकार नहीं करना, अपनी पोजीशन स्वीकार नहीं करना, कोई भी वस्तु जो किसी व्यक्ति द्वारा दी गई है उसको स्वीकार ना करना, मान को स्वीकार ना करना, या प्रकृति दासी का भी स्वीकार ना करना। तो ये जब ऐसा होगा तब बाबा कह रहे हैं कि त्याग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तपस्या के, और तपस्या क्या है, एक की ही लगन, उसको बाबा कह रहे हैं कि तपस्या। जब तक एक मेरा तो एक दूसरा ना कोई वो नहीं है तब तक वो तपस्या नहीं, और जब तक ये दोनों चीजें नहीं है तब तक सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर एक संकल्प भी आया स्वीकार करने का तो तपस्या वहीं पे स्टॉप हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो बाहर से कोई कितने रूप से भी सेवा कर ले परंतु त्याग और तपस्या नहीं तो सेवा की भी सफलता नहीं। तो नेक्स्ट पैरा में बाबा बताए कि अगर टीचर्स बहुत सोचते हैं कि सर्विस में सफलता क्यों नहीं हुई, तो बाबा तो कभी भी नंबर्स पे जाते ही नहीं है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि सर्विस में वृद्धि ना होना ये असफलता नहीं है, परंतु विधि पूर्वक चलना ही सर्विस की सफलता है। तो यहाँ पर बाबा ने जैसे बोला कि अपनी पोजीशन, जैसे मैं टीचर हूँ, इंचार्ज हूँ, ज्ञानी हूँ या योगी हूँ, ये अगर स्वीकार कर लिया, तो जो यहाँ पर स्वीकार किया तो वो जो सिद्धि मिल रही है वो इस ज्ञान की वजह से ही सिद्धि मिल रही है। तो जैसे और किसी मुरली में बाबा ने बोला हुआ है कि जो अभी स्वीकार कर लिया तो मतलब आधा पका हुआ फल हमने यहीं पे खा लिया, तो भविष्य के लिए कुछ भी जमा नहीं हुआ। तो हमको यहाँ पर प्रारब्ध जमा करनी है, अभी अभी किया, अभी अभी खा लिया वैसा नहीं करना है, प्रारब्ध जमा करके हमको आगे के लिए अपना जमा करना। तो इसमें एक एक्सपीरियंस सुना था एक भाई का कि जो पोजीशन के ऊपर, जो ये कभी भी कोई पोजीशन को स्वीकार ना करना, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो जैसे बड़ी दादी थे, दादी प्रकाश मणि, तो एक उस समय भाई आके सरेंडर हुए थे और वो वहीं माउंट आबू में रह रहे थे, लेकिन वो बहुत छोटे उम्र के थे, 19-20 साल के, और उनको नींद बहुत आती थी। तो उनको जिस डिपार्टमेंट में रखा गया था वहां के लोग, एक दो महीना बीता फिर आके दादी से उन्होंने कंप्लेन करी कि हमको ये भाई नहीं चाहिए, कोई काम नहीं करते हैं, बहुत पूरा दिन सोते ही रहते हैं। दादी ने सुना और उसके बाद फिर वो लोग चले गए और फिर वो भाई को बुलाया। फिर वो भाई आया, भाई से पूछा क्या हुआ, आपको नींद आती है? तो बोला हाँ दादी मुझे बहुत नींद आती है। बोला अच्छा कोई बात नहीं। फिर अगले दिन उन्होंने दोनों को साथ में बुलाया, तो वो जो डिपार्टमेंट वाले थे वो तो बिल्कुल ही, उन्होंने दादी मुझे ये चाहिए ही नहीं, आप इनको कहीं पर भी रखो लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए।
तो दादी ने वहां पर दादी को चीफ थे, कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, पर वो जो डिपार्टमेंट वालों के सामने था, उन्होंने हाथ जोड़े और बोले मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ, आप इसको प्लीज रख लो इसको काम पे, और ये नहीं करेगा। तो वो उस समय ऐसा मोमेंट था कि वो डिपार्टमेंट वाले तुरंत एकदम से उठ के, दादी आप ये क्या कर रहे हो, तो उसको लेके तुरंत ही वहां से चले गए। और भाई का एक्सपीरियंस था कि उस दिन से लेके आज का दिन है, कभी भी वो दोपहर में भी सोने का नहीं हुआ। तो मतलब कैसे पोजीशन को ना स्वीकार करना, मतलब कि अपनी अथॉरिटी, अपना वेट हर जगह थ्रो नहीं करना, कि कोई काम जिस तरीके से बाबा कराते हैं, कराना चाहते हैं, उस तरह से करना, तो कोई भी पोजीशन को स्वीकार ना करना, ये त्याग है जो बाबा महीन रूप से त्याग की बात कर रहे हैं। तो और बाबा ने एक लाइन यहाँ पे और भी बोली कि कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है तो वह सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता। तो सफलता मूर्त वही विधि पूर्वक चलना ही सफलता मूर्त है, और त्याग और तपस्या ही सफलता मूर्त बनाती है। तो जिसमें त्याग तपस्या दोनों हो वही यथार्थ टीचर है, और जब ये होगा तो मेहनत कम होगी और सफलता ज्यादा मिलेगी। फिर बाबा ने वही टीचर्स का कि अगर टीचर कमजोर होंगे तो जो उनसे स्टूडेंट निकलेंगे वो भी कमजोर निकलेंगे। तो ये बाबा ने इतनी अच्छी लाइन बोली कि अपने आप को चेक करो, ऐसे हो या नहीं हो। और लास्ट में जो लाइन बोली कि अगर अच्छा ऐसी सफलता मूर्त ना बनी हो तो अभी से बन जाना, मतलब ये बाबा का जो सिखाने का तरीका कि पूरा बाबा ने बता दिया क्या होना चाहिए, और फिर अपनी चेकिंग करो और उसके बाद ऐसे बन जाना अगर अभी तक नहीं किया है। तो बाबा ने यहाँ पे दो कहावतों का भी यूज किया, एक तो धूल भी सोना हो जाना, तो बाबा कहते हैं टीचर्स मतलब लकी अगर ऐसा हो जाता है, धूल भी सोना हो जाता है, इसके बहुत सारे मतलब दे सकते हैं कि जो कहाँ से स्टूडेंट्स को निकाल के अच्छे से अगर वो पारस बुद्धि बना दिया टचिंग होके तो भी, और या खुद भी ऐसे बन जाए तो धूल भी सोना हो जाए तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। और एक बाबा ने यहाँ पे जो यूज किया वो करामत खैर खुदाई, तो जो सिद्धि को स्वीकार करते तो वह करामत खैर खुदाई, मतलब अभी अभी सिद्धि को स्वीकार कर लिया और उसका प्रारब्ध जमा नहीं हुआ। फिर बाबा यहाँ पे दो छोटे छोटे पैरा में डिफरेंट टॉपिक ले गए कि बाबा से प्रीति निभाने के लक्षण क्या है। तो तीन लक्षण बाबा ने प्रीति निभाने वालों को बताए कि बाबा को साथी बनाना, सदा साथ निभाना, साथी बनाना मतलब सदा साथ निभाना, और सदा साथ निभाने का मतलब है हर कदम उसकी मत पर ही चलना, और देह के संबंधियों की सुध-बुध भूली हुई हो तब बाबा से प्रीत निभाने वाले हैं। फिर योग लगना व ना लगना, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है प्रीति से, अगर प्रीत है तो ही योग लगेगा और अगर नहीं है तो योग नहीं लग सकता। फिर बाबा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की निशानी क्या है, तो उसका है कि उसमें भी तीन पॉइंट्स में बाबा ने बताया कि कहीं भी किसमें आसक्ति नहीं हो, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो, सदा सेवा में तत्पर हो, और शक्तियां देने वाले बाप और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियां ही याद रहती हो, तो ऐसे शक्ति अवतार माया जीत होते हैं। ओम शांति। बहुत ही अच्छा शिखा बेन, आप बहुत गहराई में ले गए और काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, काफी टाइम देके आपने पढ़ा भी होगा इसको, तो बहुत ही अच्छा। Thank you.